हे दोस्तों वेलकम टू द चैनल थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग एन बहुत अच्छा लग रहा है टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम आज बहुत सारे अपडेट्स है आपके लिए वोडाज लॉन्च होने वाला है का ईवी लॉन्च होने वाला है एक्स यू वी सेवन डबल पे एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होने वाला है सोनेट ईवी लॉन्च होने वाला है ऐसे बहुत सारे अपडेट्स है जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आने वाले साल में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा पहले तो शुरू करता हूँ एक्स यूवी फोर हंड्रेड से जैसे आपको पता है के के अपडेट के बाद XUV 400 और XUV में जो था, आपको पता है कि बहुत ज्यादा लॉस होता है कंपनीज को जब वो पार्ट शेयर नहीं करता है तो अगर वो एक्स यूवी थ्री एक्सो के ही बॉडी स्टाइल और डिजाइन में एक इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेंगे तो कंपनी का भी फायदा है उसके साथ आपको एक बेटर प्रोडक्ट भी मिलेगा फोर so, डबलओ बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है आने वाले साल में एक्स यूवी थ्री एक्सो का ही डिजाइन होगा एक्स यू थ्री एक्सो के जो हैं उसके ऊपर और एडिशनल फीचर्स आपको इलेक्ट्रिक कार में मिलेंगे यू विल गेट लॉर्ड ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर और ये नेक्सॉन ईवी से कम्पीट करेगा जैसे आपको पता है कि एक्स यूवी थ्री एक्सो के लॉन्च के, के बाद नेक्सॉन का सेल्स डाउन हुआ है और महिंद्रा यही करने वाला है बाई लॉन्चिंग एक्स यूवी फोर हंड्रेड एंड ट्राइंग टू हिट द सेल्स ऑफ नेक्सॉन तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हो या नेक्स ऑन ईवी लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगले साल एक्स यूवी फोर डबल ओ लॉन्च होने वाला है विथ लॉर्ड ऑफ फीचर्स द नेक्स्ट कार जो लॉन्च होने वाला है एक बहुत बड़ा लॉन्च होगा मारुति की तरफ से वो है डिजायर जैसे आपको पता है स्विफ्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और अभी हम डिजायर के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि डिजायर जो अभी करंट मॉडल अवेलेबल है वो पुराने स्विफ्ट पे बेस्ड है अब ये पूरी तरह से चेंज होने वाला है जो आपने स्विफ्ट देखा है जो एडिशनल आपको डिजाइन चेंजेस मिलते हैं वही डिजायर में आपको मिलेगा विद बूट बट याद रखिए इसमें आपको बेटर स्पेस मिलेगा और एडिशनल फीचर्स भी आएंगे इंटीरियर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वहां पर भी आपको डिफरेंस मिल सकता है बेच कलर कॉम्बिनेशन का इंटीरियर मिलेगा उसके साथ थोड़े एक्स्ट्रा जो फीचर्स है जो आपके कंफर्ट को बढ़ा देंगे ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और सोचिए ये लॉन्च होने के बाद अमेज भी लॉन्च हो सकता है तो अगर आप अंडर फोर मीटर कार लेने वाले हो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहने वाले हैं क्रेटा ईवी एक बहुत बड़ा लॉन्च होगा हिंडाई की तरफ से और जैसे आपको पता है हिंडाई एक ऐसा ब्रांड है जिनका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आज के टाइम में अगर आप ई वी कार लेना चाहते हो तो वो एक मिसिंग है आपके लिए क्योंकि आप टाटा का ईवी लेते हो तो वहाँ पे आपका सर्विस एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं है आप एम जी तरफ जाते हो तो वो भी ब्रांड उतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है मार्केट में तो लोग सर्विस और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं बट हिंडाई जैसा ब्रांड अगर ई सेगमेंट में आता है तो बहुत लोग इवी कार्स लेना पसंद करेंगे इसीलिए क्रेटा का ईवी वर्जन लॉन्च होने वाला है अगले साल अभी अगले साल लॉन्च हो सकता है या पोस्टपोन भी हो सकता है बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपको मुझे बताना है कि क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा इसका टेस्टिंग हो रहा है और इसके टेस्टिंग के स्पाइसॉट्स आप देखते हो तो ये क्रेटा जैसे ही है बॉडी स्टाइल बट जैसे आपको पता है फीचर्स के मामले में हुडाइ बहुत बढ़िया है और आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स ये दे सकते हैं जैसे आपको पता है कि अल्कजार लॉन्च हुआ है रिसेंटली विथ एडिशनल फीचर्स

एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो किया उससे एक्स्ट्रा फीचर देके उसे कम प्राइस में लॉन्च करता है तो एडिशनल जो बेनिफिट्स होता है एंड कस्टमर को होता है तो अगर आप एलकाजार लेने वाले हो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि कैरेंस का लॉन्च जाएगा विथ एडिशनल बेनिफिट्स और फीचर्स और आप रिग्रेट करोगे अब ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च नहीं होगा बट मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है द बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट मारुति सुजुकी का इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होने वाला है ईवीएक्स अब इसका स्पेशलिटी ये है कि ये पहले यूरोप में लॉन्च होगा एंड दिस विल बी अ ग्लोबल प्रोडक्ट और उसके बाद इंडिया में लॉन्च होगा सिंस ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट होगा जो इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे वो बहुत हाई रहेंगे और इनका इलेक्ट्रिक कार इज गोइंग टू तो बी वेरी रिलायबल तो जो रिलायबिलिटी चाहते हैं वो यूजली ई वी कार्स की तरफ नहीं बढ़ते हैं बट ब्रांड्स लाइक यूडाई एंड मारुति एंटर द इंडियन सेगमेंट लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ बढ़ेंगे द बिगेस्ट रोड ब्लॉक एट दिस पॉइंट इन टाइम इज सर्विस और क्वालिटी क्योंकि टाटा के जितने इलेक्ट्रिक कार्स है वो इम्प्रूव तो हो रहे हैं स्टडी बट इनिशियल जो एक्सपीरियंस था कस्टमर का दैट वॉज नॉट गुड वी ऑल नो दैट कि टाटा जब एक प्रोडक्ट को, को लेके आता है दे आर वेरी क्विक राइट बहुत जल्दी वो मार्केट में प्रोडक्ट को लाते हैं एंड दे स्टार्ट फेसिंग इशूज बट दे कीप करेक्टिंग ऑल ऑफ दैट एंड दे प्रोग्रेस

न्यू प्रोडक्ट का मतलब यूजुअली कंपनी क्या करता है टेल लैम्प चेंज कर देता है हेडलाइट चेंज करता है डिज़ाइन चेंज करके प्रोडक्ट को लॉन्च करता है बट होंडा के सेकेंड जनरेशन का जब अपडेट आया था उसमें नेगरूम बढ़ गया बूट स्पेस इंप्रूव हुआ कार के इंटीरियर्स पूरी तरह से चेंज हो गए थे हैंडलिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी सब कुछ चेंज हो गया था कार में तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट था इट वॉज नॉट अ कॉस्मेटिक अपडेट पूरे कार को उन्होंने अपडेट किया था अभी उतना टाइम हुआ है कि हम एक और जनरेशनल अपडेट अमेज में देख सकते हैं एंड दैट इज वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग इसका जो चासी होगा इट विल बोरो अ लॉट ऑफ कॉम्पोनेट फ्रॉम एलिट एंड होंडा सिटी तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि होंडा सिटी जैसे आपको पता है इट्स ए रियली गुड प्रोडक्ट इट्स ए प्रूवन प्रोडक्ट और होंडा एलिट में जो आपको टेक्नोलॉजी के फीचर्स मिलते हैं जो इस कार को थोड़ा मॉडर्न बना देता है वो आपको अमेज में मिल सकता है बट डिस्क्लेमर ये है कि आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा विथ ऑल द टेक्नोलॉजी दैट यू नीड होंडा ऐसा ब्रांड नहीं रहा है इंडिया में जो आपको ऐसे फीचर्स देता है कंफर्ट फीचर्स तो आप देख के आपको लगता है कि भाई ये इतना फ्यूचरिस्टिक है जो आज के टाइम में हम कार में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ये आपको ये फीलिंग नहीं मिलेगा होंडा के कार के लॉन्च में तो अमेज एक बढ़िया फैमिली कार होगा सिंपल सा कार होगा जो आपको फीचर चाहिए वो ऑफर करेंगे डेफिनेटली जो करंट अमेज है उससे बेहतर होने वाला है तो अगर आप इस कार के लिए वेट करोगे तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये अगले साल पक्का लॉन्च होने, होने वाला है इंजन में चेंजेस आएंगे बिल्कुल नहीं इट विल हैव द सेम 1.2 लीटर इंजन सेफ्टी में क्या चेंजेस आएगा 100 परसेंट सेफ्टी में चेंजेस आने वाले हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इंप्रूव होने वाला है एंड दिस कार कुड एंड अप स्कोरिंग फाइव स्टार्स इन भारत एंड कैप आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस प्रोडक्ट और बहुत लोगों को मैं सजेस्ट भी करता हूँ देखो आप इस प्रोडक्ट के लिए वेट कर लो इट विल बी टोटली वर्थ इट अब इसमें आपको मैं एक टिप भी देना चाहता हूँ जैसे आपको पता है कि अमेज का न्यू वेरियंट लॉन्च होने वाला है अगले साल डिसम्बर में सॉलिड डिस्काउंट मिलेंगे आपको पुराने अमेज में जो बहुत ही बढ़िया कार है अब जेड एक्स वेरियंट टॉप एंड वेरियंट, वेरियंट अमेज का ले सकते हो तो ले लो इससे बहुत फायदा होने वाला है आपको क्योंकि एट अ रियली गुड प्राइस यू आर गोइंग टू गेट अ रियली गुड प्रोडक्ट और उसके साथ साथ जो कार का लेग रूम है बूट स्पेस है प्रैक्टिकलिटी है एवरी थिंग सी दैटीट्स एनी बडी सेक्शन में बताइए आई हेल्प यू आउट बट ऐसे वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा तो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आईकॉन एंड बी पार्ट ऑफ द्रेटिक फैमिली वन लीटर टी एस आई एंजन के साथ एक अंडर फोर मीटर कार लॉन्च होने वाला है अंडर द नेम स्कोडा का ये टेस्ट होते हुए मिला है इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या है कोई भी अंडर फोर मीटर कार नहीं है मार्केट में जो आपको एंथुजियाटिक या एग्जिलटिंग परफॉर्मेंस दे स्कोडा और बोक्सवागन ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे मार्केट में जो आपको बहुत बढ़िया ड्राइविंग प्लेजर ऑफर करे तो ये अलग सा एक सेगमेंट बन जाएगा इंडिया में अब बजट की बात करें तो ये कुशाक से कम प्राइस में लॉन्च करेंगे इसका जो टॉप एंड वेरिएंट होगा तक है, तो आप इजीली इस कार के लिए वेट कर सकते हो ये कार का जो एक्सपीरियंस होगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस दट इज गोइंग टू बी द बेस्ट उसके साथ साथ सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छा होने वाला है आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वेट फॉर दिस प्रोडक्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाला है उसके अपडेट्स मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ आई वॉज नॉट एबल टू कवर ऑल ऑफ इट इन दिस वीडियो अगले वीडियो के लिए आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा विल अपडेट इट वेरी सोन बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके फिर से मिलेंगे टेक केयर ऑलवेज ड्राइव सेफ वेर योर सीट बेल्ट बताए